तू निज पत है दाता, ओह दयाल नाम देहु मंगत जन को, सदा साचे तेरे नाम विट हो, करन कारण सब ना काए को, अवर न दूजा कोई, बहुते फेर पाए किरपन को, अब किछ किरपा की जय, ओ दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी जय, अनंत नानक परम पट खुले, गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर, सतगुर सु मन मानिया, होवै सिफत खमंदी नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिया, सजन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठियां सोहिया, सबना दावे साहो, सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र चरण शरण विच सुभायमान गुरु रूप साध संगत जीओ,
हर रोज आप जी बड़े प्यार श्रद्धा द्वारा जपजी साहब की चल रही लड़ीवार गुरमत व्याख्या सरवण करके अपने जीवन नू सफल करते हो। अज आप जी ने जपजी साहब जी की पवित्र बाणी विचों 14वीं पौड़ी का पाठ सरवण किया। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये चार पौड़ियां जो मनन दियां उचारण कीतियां हन। अज दे बचनां विच हजूर ने कृपा कीती कि जेड़ा मनुख मनदा है उहदे रस्ते विच कोई रुकावट नहीं आउंदी। धर्म दे मार्ग ते तुरदियां बिना रुकावट तो वह अगे निकल जांदा है और इज्जत पत द्वारा प्रगट हो के वह अपने मालक दे घर तक चला जाता है। फिर अगे बचन कीता कहन लगे मन्ने मग ना चले पंथ। मग कहिंदे ने मार्ग नूं, पंथ दे अर्थ भी मार्ग हन। मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसे मनुख दा संबंध जोड़ जेड़ा है धर्म नाल पै जांदा है। धर्म दे अर्थ ने परमात्मा, परमात्मा दे दरवाजे तक उहदी पहुंच हो सक जांदी है। मग ना चलै पंथ दे अर्थ ने वह केवल मजबां विच नहीं फसिया रहिंदा, इन्हां राहां तों अगे निकल जांदा है। मजबां दियां शरा दियां जिहड़ियां गल्लां हन इन्हां तों अगे चला जांदा है। पर यह सब कुछ नाम द्वारा ही हो सकदा है। कल दे विषय अंदर आपां विचार कीती सी कि मनण दे तीन हिस्से ने। पहला हिस्सा कल विचारिया गया सी कि गुरु दा हुक्म मनना है, मन दी गल नहीं सुननी। मन दी गल नू अपने जीवन विच्चों सहजे सहजे कढ़ना है ते गुरु दी गल नू जीवन दे विच थां देनी है। जदों इस तरह करदियां करदियां पहला पहल यतन करना पएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मन दी बड़ी पुरानी आदत, पुरानियां जीवन दियां जेड़ियां अंदर बीज पए ने विचारां दे, वो एदा खेड़ा नहीं छड़ दे। हजूर ने फिर अज बचन कीता मनन दा दूसरा हिस्सा। जिसने गुरु दे हुक्म नूं पहला यतन करके मन्या, एक दिन फिर उहदा मन वी इहदे नाल सहमत हो गया। जिहड़ा बगावत सी पहला आखे नहीं सी लगदा, जिहड़ा मन गुरु दे हुक्म नूं सुन के अंदर जिहदे रोह जागदा सी, गुस्सा आउंदा सी, जिहड़ा गुरु दे हुक्म नूं सुणदिआं आलसी हो जांदा सी, जिहड़ा मन गुरु साहिब ने बाणी विच लिखिआ मेरा मन आलसिया उगलाना, जदों गुरु दी गल सुणदा है ते आलस आ जांदा है। जिहड़ा मन पहला गुरु दी गल सुन के नींद विच चला जांदा सी, इह तीन तरह की नींद है, एक है तंद्रा, एक है निंद्रा, एक है सुखोपत। मन जदों वेखो इत्थे बैठेगा अपने आप नूं बचाएगा गुरु दे उपदेश तों, उहदे बचाउण दे ढंग बड़े निराले ने। हो सकदा है जदों मन कोई गल ना सुनना चाहे ते तंद्रा उस नूं कहिंदे ने जिहदे विच आदमी ना जागदा है ते ना सुता हुंदा है। जागदा भी है पर पूरा सुचेत नहीं, अद्धी कु नींद विच।
तंद्रा दे अर्थ ने कि विचारां दे विच बह जाना, फिर मन उपदेश तो पासे हो जाता इस राही। निंद्रा दे अर्थ ने सौ जाना, नींद विच चले जाना। तां इस तरह जेड़ा मन पहला गुरु के उपदेश नू मन्नण वास्ते तैयार नहीं सी, मन्नण दा दूसरा हिस्सा है कि सहजे सहजे उदम करदिया, अरदास करदिया, गुरु चरणा दे विच बेनती करदिया करदिया एक दिन ऐसी मन की हालत बन गई कि हुण मन आप सहयोगी हो गया गुरु के हुक्म नू मन्नण वास्ते, सहमत हो गया, नाल तुर पिया। मन ने यह मन लिया कि ठीक है गल गुरु दी, अंदर जान लिया उसने, फिर वो नाल तुरदा। असल विच यात्रा शुरू ही उदों हुंदी जदों आदमी दा मन मन जाए, ते मन उदों मनदा जदों उदम कर करके, यतन कर करके, कमाई कर करके कुछ ना कुछ बंदा जान लवे, कुछ वेखे तो ता ही मन मने ना। मन की आदत है सबूत मंगदा, मन की एक आदत है वो कुछ ये वेखना चाहता भी अगे है कि नहीं कुछ, ता वो तुरदा। ता कबीर जी ने बचन किया, कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। करदिया करदिया कुछ एहसास होन लग पिया, जानन दे थे अर्थ ने कुछ कुछ मन नूं प्रतीति होन लग पई भी है कुछ जिदे वास्ते मैं बैठा रहना, जिदे वास्ते मैं सेवा करना, बाणी पढ़ना, सिमरन करना, वो है कुछ जरूर। किते किते छू मिलनी शुरू हो गई थोड़ा थोड़ा। इस नूं गुरबाणी विच वार वार कहा गया है, जिहड़ी लगातार वो अवस्था नहीं रहिंदी, कदी कदी उहदे विच बणदी है, जिवें बिजली चमक जाए, जिवें आकाश दे अंदर थोड़ा जा लिशकारा पए, एक बारी दिन चढ़ जाए, चानण आ जाए, सब कुछ दिसे तो फिर अलोप हो जाए। इहनूं कहिंदे ने थोड़ा थोड़ा गुरु की कृपा विच विच आउणी। इह सतगुरु जदों रहमत करदे ने ते मन नूं थोड़ा जा रस आउंदा है, थोड़ा जा रस आउंदा है, वह फिर अजे मन योग नहीं हुंदा उस रस नूं लैण दे, उहदे विच अजे भी मैल है। तां अकाल पुरख वाहगुरु वल्लों, गुरु वल्लों सदा उहदे नाल फिर मिलाप नहीं अजे कीता जांदा, फिर वह अपने आप नूं संकोच लैंदा है। हुण एक होर हालत बनी कि मन नूं थोड़ा जिहा गुरु वल्लों रस मिलिया, शब्द वल्लों रस मिलिया, ते हुण वह रस दे पिछे भजन लग पिया, दौड़न लग पिया, उहनूं लभदा मुड़ के, खोज करेगा, क्योंकि मन की आदत है रसां नूं खोजना। जदों उन्हों गुरु ने थोड़ा जा चलकारा दिता, थोड़ा जा रस दिखाया, स्वाद दिखाया भी इधर भी है कुछ, ऐवें नहीं इत्थे गिट्टे रगड़दे लोग, तां मन ने फिर खोजना शुरू कर दिता, लभना शुरू कर दिता। इस अवस्था दे विच जिहड़े शब्द आए उन्हां विच ये सी कि मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याई। थोड़ा जिहा वेख्या ते फिर उहदी खोज तड़फना बन गई अंदर, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक दिन समोको बहुत बिहावे, बड़ा लम्मा लगता दिन। यह एक दशा बनी, हुण मन जिहड़ा विच सहयोगी हो गया, नाल उन्हें आप तुरना शुरू कर दिता। मनण दा दूसरा हिस्सा यह है जो बंदे दा मन नाल तुर पैंदा, मन राजी हो जाता है, फिर इस दशा दे विच बहुता यतन नहीं करना पैंदा आदमी नूं, क्योंकि अपने आप उहनूं खिच पै जांदी है, डोरी बज जांदी है। जिहनूं सतगुरु ने बचन कीता बाणी दे विच, हमारे यह कृपा की जाए, जदों मन ना मिले, तुरे ना, सहमत ना होवे, ते फिर अरदास करिए गुरु के चरणा विच। वो अरदास केड़ी है कि हमारे, हमारे दा मतलब मेरे उत्ते, मेरे जीवन दे विच हमारा यह कृपा कीजै, अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीजै, मेरा मन तेरे ते रीज जाए, शौक जागे दे। जिवें
अल का अर्थ है भवरा, कमल का अर्थ है कमल का फुल। जिमें कमल के फुल के उत्ते भवरा सुगंधी विच मस्त हो के यह भुल जाता है कि मेरी मौत ना हो जाए कि इस दे पंखड़ियां विच फस के, अपना आप मौत की परवाह नहीं करता तो वो उत्ते आके डिगदा है। मेरे ते कृपा करो कि मेरा मन अपनी मौत की परवाह ना करे, क्योंकि जिदन मन की मौत होनी है गल उदू अगे शुरू होनी है। इतने उदाहरण ही तां दित्ती कि भवरा जिहड़ा है वह उहदे चक्कर कटदा है उस कमल के फुल दे, ते जदों बैठ गया सवेरे कमल का फुल खिड़िया सी सूरज के चढ़न दे नाल, वह रस इन्ना सी कि उहदे विच बैठा तो उहनूं उड़ना भुल ही गया, मस्त हो गया विच रस लैंदा रहा। सूरज ढल गया, सूरज के ढलन दे नाल कमल के फुल ने अपनियां पत्तियां कट्ठियां करनियां शुरू कर दित्तियां। भवरे नूं कुछ ना कुछ तो पता भी लगा होगा भी मैं हुण मौत के किनारे जा रहा, क्योंकि इस कमल ने जदों पत्तियां करनियां ने कट्ठियां भवरे ने विच उहदे विच मर जाना है। सतगुरां ने अरदास करन दी जाच सिखाई, कहन लगे रब दे चरणां विच अरदास कर कि मेरा मन तेरे चरण कमलां दे विच बैठ जाए, ते फिर तू इहनूं संकोच के अंदर मार दे खत्म कर दे। चरण कमल अल मकरंद चरण कमल स्यों, मन फेर फिर रीजै आन जला स्यों काज ना कछुऐ। आन दा अर्थ दूसरे, जलां दे अर्थ पानी। आन जला स्यों काज ना कछुऐ हर बूंद चात्रिक को दीजै। जिमें एक बबीहे दी भावें इस धरती ते किन्नियां नदियां ने, किन्ने समुंदर ने, किन्ना पानी है, पर वह बबीहा कहिंदा मैनूं ओ ही बूंद दे, मैं इस पानी नाल समझौता नहीं करना। इस तरह की अवस्था फिर मन की बन जाती कि उन्हूं संसार दे पदार्थ मिट्टी प्रतीत होने लग पैंदे, छोटे लगन लग पैंदे, भावें रहिंदा विच इन्हां दे। हुण उन्हूं समझाउणा नहीं पएगा, दसना नहीं पएगा। दीसत मास ना खाए बिलाई, बिल्ली का सुभाव बदल गया, मास कोल पिया ते छड़ दिता, मास नहीं खांदी, सुभाव तब्दील हो गया, अपने आप छड़ गई। मन का वह सुभाव जिथे जाके पदार्थ नूं छड़ना नहीं पैंदा, जदों वह असत प्रतीत हुंदा मिथ्या झूठा प्रतीत हुंदा मिट्टी दिसदा ते मन उहदे तों अपने आप चुकिया जांदा है, उन्हूं छड़ाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। इहनूं कहिंदे विराग दा आ जाणा। विराग दे कारण ही संसार छुटदा है, ते विराग पैदा हुंदा भगती द्वारा। भगत कबीर जी ने बचन कीते, उह कहिंदे ने कहो कबीर भगत कर पाया, की पाया है, परमात्मा पाया भगती नाल। इह तां गल फबदी नहीं, क्योंकि उह घलणा दे अधीन है नहीं, ख्याल रखना। कहो कबीर भगत कर पाया, भावें कि इहदे अर्थ यह भी हो सकते भी रब नूं पाया, पर गल तां यह है भी जिन्ने पाया वह पहलां आप ही चला गया। फिर एक किस दी गल है, कहो कबीर भगत कर पाया बिन बैराग ना छूट समाया। यह विराग पाया भगती द्वारा, परमात्मा दे पाउण दा इत्थे सवाल नहीं है, क्योंकि जे वह भगती दे जप तप दे सहारे ते मिलदा होवे तां फिर तां घंटे पूरे करन तों बाद आपे आउणा पएगा, उस मजबूर हो जाएगा। वह कोई इस तरह दा देवता नहीं जो मंत्र अधीन है, वह एक मंत्र नाल रीझदा, उहनूं कहिंदे ने प्रेम, ते प्रेम दी समझ अपने आप आउंदी नहीं, किवें करना है, वह तो एक अवस्था है ना अपने आप बनी हुई। तां इत्थे बचन कीता कि भगती कीतियां शायद रब ना रीझे। ये मैं शायद शब्द तां वरत रहा क्योंकि भगती आधार है इस राह दा, किते बंदा इहनूं छड्ड ना जाए। भगती कीतियां शायद रब ना साढ़े ते खुश होवे, पर बंदगी दे नाल एक दात मिलदी है। वह किहड़ी? बंदगी नाल विराग मिलदा है। विराग दा मतलब सुते सिद्ध सारिआं दे विच विराग भरिया होया साढ़े शरीर विच। विराग दा मतलब किसे चीज़ बारे कोई उत्सुक ना होना,
किसी चीज़ की खिच ना पैनी सानू, उन्हों कहिंदे इहदे नाल इहनू विराग है, किसी चीज़ की कशिश ना बननी, खिच ना पैनी, जिवें सामने कपड़ा पिया वेख देना बस ओपरी जी नज़र नाल। सामने बड़ा सोहना मकान है, कोई घर लै गया, किसी ने बड़े शौक नाल दिखाया ये मेरियां तस्वीरां ने, मैं फलाने थां ते गया, वो वेखण वाला उपरी जी नज़र नाल वेखदा, क्योंकि वो मन विच उहदी कोई है ही नहीं, सार कीमत नहीं है, वो नहीं देखेगा उसनू। फिर वो अपनी गड्डी दिखाएगा, फिर वो अपना कई कुछ दिखाएगा, पर वो विचारा देखी जाएगा बिल्कुल, उहदियां अखां विच ओपरापन रहेगा। उहदे अर्थ होणगे भी इस बंदे नूं इन्हां चीज़ां नाल अपने आप वैराग है, नफरत नहीं, नफरत होर चीज़ हुंदी है। उहदी जिहड़ी अटैचमेंट है, जिहड़ी कशिश है, इन्हां चीज़ां नाल बण नहीं रही, इन्हां नाल उहदी खिच नहीं बण रही। बिल्कुल इसे तरह मनमुख नूं गुरू कोल लै जाओ, उहदे कन्नां विच रब दी गल पाओ, ते उह ओपरी नज़र गुरू नाल उसे तरह वरतेगा, उहदी खिच गुरू नाल इसे तरह नहीं बनदी। इस करके विराग सारिआं दे अंदर है, थोड़े जे बंदिआं नूं संसार नाल विराग है, बहुते बंदिआं नूं गुरू नाल विराग है, गुरू नूं नहीं मिलना चाहुंदे, उत्थे नींद आउंदी उहनां नूं, उत्थे मन काला पैंदा। तां विराग दी जिहड़ी दशा है, कबीर जी कहिंदे भगती नाल मन विच विराग बनदा, पहला उत्पन्न हुंदा, जो पहले विच पिया होया सी उहदा रूप बदल जांदा है, तां भगती उहदे साइड नूं तब्दील कर देंदी। जदों अवस्था बनदी विराग दी, तां संसार नूं फिर मन नूं कहना नहीं पैंदा वी इह चीज़ां गलत ने, इहनां नूं छड्ड दे, छड्डनियां नहीं पैंदियां, अपने आप उहनां दा मिथ्या रूप जिहड़ा है, झूठा रूप जिहड़ा है, वह दिसन लग पैंदा, छोटियां रह जांदियां ने, उहनां नाल खिच नहीं बनदी, कशिश नहीं बनदी, कोई यतन भी करे वह बंदा आप भी यतन कर लै तां भी नहीं बनदी। जिहदे अंदर शब्द धस गया ना डूंघे थां ते, जिहदे अंदर नाम चला गया, परमात्मा की याद वस गई, गुरु की कृपा हो गई जिस मनुख दे उत्ते, कदी कदी किसी के कहते वह चाहेगा भी चलो मैं भी थोड़ा जा शौक कमा लवा, पर होएगा नहीं, उहदी खिच नहीं बनेगी उहदे नाल। इस करके हजूर कहिंदे ने कहो कबीर भगत कर पाया, बिन बैराग ना छूट समाया। संसार छुटदा नहीं, जिन्ना चिर संसार नहीं छुटदा रब नूं पाउण दी ते कोई आस ही ना करनी चाहीदी, उन्ना चिर ये छुटेगा ते तां उह गल बनेगी। ये मुठ जिहड़ी है जिन्हें फड़िया होया जन्म तो लैके इहदी आदत है, तुसीं वेख्या होना छोटे बच्चे वल रब की गल करनी उन्ना चिर कोई अर्थ नहीं रखती जिन्ना चिर बंदे की मुठ नहीं खुलदी, उन्हें फड़िया होया हर एक चीज़ नूं चंबड़िया होया, जकड़िया पिया उहदा मन संसार दे नाल। तां तुसीं वेख्या होएगा छोटे बच्चे वल जदों वह जन्म लैंदा है तां जन्म तो बाद कई कई दिन उहदे वार वार उहदियां जिहड़ियां मुठियां ने सिद्धियां करनियां पैंदियां, उंगलां खिच खिच के फिर बंद कर लैंदा, फिर बंद करदा है। असल विच उहदे विच पकड़ी इन्नी है, वह अंदर दी एक तरह की बाहर तस्वीर आ रही है कि उहदे हथ बड़े बंद ने, हथ उहदे घुटे हुए ने बिल्कुल। सतगुरु ने कहा कि हाथ खोल अपने हाथों नूं खोल दे, हाथ खोलन दा मतलब जो तू फड़िया होया उहनूं छड्ड दे, जिन्हों तू फड़ के बैठा ये चीज तेरे हाथों दे विच फड़ी गई, पर तेनू इस गल दा भी पता नहीं भी हाथ भी तेरे नहीं, हाथ फड़ी रखणगे तू किते होर चला जाएगा, वह इत्थे रह जाणे। इस करके सतगुरु ने अज जो बचन किया कहिंदे मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मनण दा दूसरा हिस्सा, इहदे भी थोड़ी जी विचार आपां कर लईए। कल आपां विचार कीती सी इस सबजैक्ट ते कि पहला पहल मन नहीं मनदा, उहनूं धक्के नाल इधर लाउणा पैंदा, ते अज जिहड़ा हिस्सा पौड़ी दे विच इहदे विच मन नूं हुण मनाउणा नहीं पैंदा, उह आप मंग करदा है,
आप तुरदा, आप उहदा ध्यान दिन रात उधर बने रहिंदा, एक अंदर उहदे लहर चिड़ी रहिंदी है, एक उहदे अंदर अवस्था बनी रहिंदी, उहदे वास्ते जतन नहीं करना पैंदा। वह एक इस तरह की दशा है जिन्हों सिमरन कहा गुरु जी ने, सिमरन आराधना करनी, कई लफज ने। एक गल याद रखना, जपना होर है, सिमरन होर चीज है। जपन दे अर्थ ने यतन करना, सिमरन दे अर्थ की हो सकते, जिमें कदी कदी वेखना कोई सानू चोट लग जाए ना पैर अंगूठे विच जां किते भी शरीर ते, तां थोड़े दिन वो जख्म रहिंदा है, तां वो छोटी छोटी दर्द सानू याद दिवाउंदी रहिंदी कि इत्थे किते मैनू कुछ चोट लगी हुई है, दर्द है इस थां ते। वो ध्यान उहदा बणिया रहिंदा, अपने आप ध्यान लाउणा नहीं पैंदा वी इत्थे मैनू चोट लगी सी, उहदी दर्द बंदे दे ध्यान नू अपने आप खिंचदी है। सिमरन दे अर्थ ये ने, शब्द ने अंदर चोटा मार मार के एक थां कच्ची कर दित्ती शरीर दे विच, जीवन दे अंदर उत्थे हो गया छोटा जिहा थां बन गया, केंद्र बन गया, सेंटर बन गया जीवन दे विच। ਉਹ ਥਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਔਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਔਰ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਮਰਮ ਕੀ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਠੌਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੋਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵ। ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵ, ਖੋਜਤ ਤਨ ਮੈਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਉਂ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਟ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁਨੇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਪਤੰਗ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਜ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ
ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪੈਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਮੰਨੈ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਹਟੀਆਂ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਿੱਚ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹ ਲੰਬੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸਾਉ ਸਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਸੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਿਛਾਇਆ ਪਲੰਘ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ
कि ये आदमी जेड़ा है तुरिया सी रब दे राह ते राह विच इहदियां इच्छावां इन्नियां सन जिन्हों जपया उहदे कोल रिद्धियां सिद्धियां ने इहदे कोल रिद्धियां सिद्धियां आ गईयां लोग कट्ठे हो गए चुकना शुरू कर दिता लोगों ने ये थकिया होया है कई जन्मां दा थकिया है इहदे मन दे विच ख्वाहिशां बड़ियां ने इच्छावां बड़ियां ने इस करके फकीर किसनू कहिंदे दरवेश की व्याख्या की है गुरबाणी के अंदर दरवेश फकीर ये लफज आए ने और इहदे वास्ते लफज बिहंग भी वरत्या बिहंग का मतलब पंछी हुंदा है कबीर जी कहिंदे ने कि बिहंग दे की अर्थ ने रह बिहंगम कतै ना जाई अगह गह गह गगन रहाई पंछी का जीवन है कि शाम की इच्छा सी दाने मिल गए शाम नू दाने खा लै सवेर का कोई फिक्र नहीं है इवें दा जीवन दिता सानू गुरु साहब ने शाम दे मिल गए खा लै सवेरे फिर वो आपे प्रबंध करेगा उहदी कोई चिंता नहीं फिर उहदे अंदर इच्छा कोई नहीं उस पंछी दे विच कि मेरे वास्ते ए होवे मेरे वास्ते ए हो जाए सुभाविक जो कुछ मिले वो प्रवान है ये नहीं कि वड्याई मिले तो उन्हें भी ना करेगा मूँह वटेगा नहीं जे वड्याई मिले ता भी प्रवान जे ना मिले ता भी प्रवान है पर धर्म नूं कमाउणा वड्याइयां वास्ते पाउण वास्ते रस्ते की रुकावट है बड़ी वड्डी श्री राग दे पहले शब्द दे अंदर गुरु साहब ने धार्मिक पुरश के जीवन विच आउण वालियां चार रुकावटां दा वर्णन कीता है क्योंकि जेड़ा तुरेगा उहदे राह विच आउणगे दूजियां दे नहीं आउंदियां जेड़ा तुरदे ही नहीं उहनूं ठेडा की लगना है तां उह चार रुकावटां दसियां चार प्रकार दियां ने उहदे विच सब तों पहला है वैसे उहनूं तीन रूप दित्ते ने माया दे उहदे विच जे मोटे तौर ते गिणीए ते सब तों पहला आउंदी है अस्थूल माया जिहड़ा बंदा धर्म दे मार्ग ते तुरदा है उहनूं रोकण वास्ते पहली तरह दी जिहड़ी माया वापरदी उहनूं कहिंदे अस्थूल माया अस्थूल माया दा मतलब हुंदा है जिहड़ी चीज़ सामने दिसदी होवे ठोस जिहदा आकार होवे जिहनूं आपां तस्वीर विच लै सकीए उहनूं कहिंदे अस्थूल माया उहदे विच मकान भी आउंदे ने उहदे विच वस्त्र भी आउंदे उहदे विच नोट भी आउंदे उहदे विच बंदे दा शरीर भी आ जांदा है इहनूं वेख के बंदा राह विच भुल के इहनां नाल जुड़ जाए समझो इह राह विच मार्ग विच ठाक पै गई रुकावट आ गई इह पहली प्रकार दी रुकावट गुरु नानक देव जी ने उचारण कीती उह कहिंदे मोती तां मंदर उसरै रतनी ता होहे जड़ाऊ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवै चाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवै ना इन्हां नूं वेख के भी बंदा भुल सकता है दूसरी प्रकार की जिहड़ी माया है उहनूं कहिंदे चेतन माया शरीरां दी खिच फिर यह दूसरी माया जे कोई पहली नूं लंघ जाए फिर दूसरी आवेगी मोहनी मुख मणि सोहै करै रंग पसाओ यह दूजी प्रकार की माया है वैसे पहली नूं कोई नहीं छड़दा दूसरी तक जाएगा किहड़ा असी कह दें असी त्याग दिता जी असी नहीं रिद्धियां सिद्धियां वरतते है ही कुछ नहीं कोल ते वरतना की है वो ते गल तां है ना भी सामने होवे कुछ ते बंदा फिर ना वरते फिर ते कवे मैं छड़ दिता है ते अजे तां पहली नहीं छड़ी अजे तो बंदा कपड़िया विचों मकाना विचों दिस दी दुनिया विचों निकले ही नहीं तो चेतन माया कितों आवेगी वो तो आउंदी ही नहीं फिर आदमी आप तुरिया फिरदा है शरीरां दी खिच उहनूं कहिंदे चेतन माया वापरेगी जे किते मन दे विच वाशना वधी है धर्म कमाउंदिआं इहदे अर्थ इह ना समझना भी किते गलत जा रहे हां उहदे उह इक सिग्नल है कि हुण तुसीं चेतन माया दे देश विचों अगे लंघ रहे हो विच विच आ सकदी वाशना बहुत ही शरीरां दी खिच पै सकदी है उह इक सिग्नल मिल रहा है कि बंदा चेतन माया दे देश विच उहदी सुरत अगे निकलदी जा रही एक दिन जाके उहदी खिच खत्म हो जाएगी
फिर एक तीजी तरह की माया कही उन्हों कहिंदे सूक्ष्म माया, उहदे विच रिधियां सिधियां हुंदियां ने। सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद आखां आओ गुप्त प्रगट होए, बैसा लोक राखें पाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाउ। ये सारियां रुकावटां ने इस राह दियां। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, कहन लगे मनै मार्ग ठाक ना पाए। जेड़ा मनुख अकाल पुरख दे नाम नू मन लैंदा है, जपदा है, अंदर धारण कर लैंदा है, उहनू रस्ते दे विच रुकावटां नहीं पैंदियां। गुरु वाला बनन दा यही लाभ है कि इस राह दे उत्ते जिथे जिथे रुकावटां आउणियां ने, जिथे जिथे बंदे दे तिलकन दा डर है, गुरु उत्थे हथ दे के रख लैंदा है। सतगुरां ने कहा मरदानिया ये जिहड़ा फकीर मंजे ते चढ़ के बैठा है ना, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान की निशानी नहीं, ब्रह्म ज्ञान कोई और चीज है। जिथे बहुती भीड़ होवे जरूरी नहीं उत्थे ब्रह्म ज्ञान होवे, ये बहुता जरूरी नहीं है। ख्याल रखना, तुसी जानते हो ना कि अट जिहड़ा अचल बटाले का मेला सी जिथे गुरु नानक देव जी गए सी, उत्थे किन्नी भीड़ सी, सिद्ध आउंदे सी, ते सिद्धां कोल इस तरह की भी एक सिद्धि आई सी जिन्हें नाल लोग कट्ठे कर ले, तरीका है ना, सब कुछ किया जा सकता। हाँ किसे हुक्म दे विच कोई काम करना, भी लोगों नू कट्ठे करना ते रब नाल जोड़ना, ये गल होर है, पर लोगों नू कट्ठे करके बस अपने जन्मदिन मना लेना है कोई बहुती वड्डी गल नहीं है। लोगों नू कट्ठे करके गुरु नाल जोड़ना, रब नाल जोड़ना, शब्द नाल जोड़ देना, फिर तां गल हो गई चंगी। बिच कोई ताकत गुरु ने दित्ती सी उहदी वरतों कर लई, भला कर दिता संसार दा, फिर तां गल चंगी हो गई, वह कोई गलत गल नहीं है। पर सिद्धा ने की कीता, लोग इकट्ठे करदे सन बड़ी भारी गिनती विच, माया इकट्ठी की, पूजा करवाई, चले गए। सतगुरां ने कहा मरदानिया ये जिहड़ा मनुख जा रहा है ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, इहदा सफर लंबा हो गया। भाई मरदाना जी ने पूछा महाराज ये सफर किवें लंबा हुंदा है, ये मार्ग किवें वध जांदा है, किन्ना कु लंबा है, किन्ने किलोमीटर पैणगे। सतगुरां ने कहा कोई अंत नहीं, इहदे किलोमीटर बंदे ने आप वधाउणे ने ते आप घटाउणे ने, घट भी कर सकदा, इन्ने भी वधा सकता भी कई जन्मां तक लगा रहे तां भी पंध तय ना होवे। इह कादे नाल वधदा है, हजूर ने कहा जिन्नियां इच्छावां वधन उन्ना इह पंध लमेरा हो जांदा है, जिन्नी बंदे दी इच्छा घटदी जाए उन्ना इह पंध छोटा हो जांदा है। बस इह पंध वधदे इच्छावां दे नाल है। जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागा दाग, दाग दोष मूँ चलिया लाए दरगह बैस ना ही जाए। इस करके गुरु साहब वार वार ये उत्ते जोर देंगे भी अपना जिहड़ा खिलारा जिहा है ना थोड़ा जिहा सीमित कर, क्योंकि इच्छा घटनी है ते तां गल शुरू होनी है। ये जिहड़ा सिस्टम तेनू खिलारदा है जां ते होवे, वह बिरती जिहड़ी जनक वाली सी वह गल वखरी है, बड़ी औखी मिलदी, जिहदे विच बंदा सब कुछ दे विच रहिंदा होया अभ्यास कर लवे, वो आउंदी बड़ी मुश्किल है। जदों योग्यता आ गई उदों वधा लई, उहदे तों पहलां घट रख इस खलारे नूं। जे तूं इधर जुड़ना है तां जिहड़ा इस राह ते गया, हजूर ने कहा मनण नाल मार्ग विच ठाक नहीं पैंदी, रुकावट नहीं पैंदी। फिर बचन कीता कहिंदे मनै पत स्यों प्रगट जाए, प्रगट का अर्थ है नशर हो जाना। परमात्मा अपने भगत नूं प्रगट जरूर कर देंदा है, वह भावें किते बैठ के बंदगी करे, रब का एक सिद्धांत है उन्हें आप करना है, उहदा एक तरीका है। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। भावें वह पिछली पंक्ति विच बैठा रहा बड़ी दूर, उन्हें कोई यतन भी ना किया, उन्हें दबाने के भी यतन किए गए भी ये सामने ना आ जाए कि,
पर उन्हों कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है अकाल पुरख वाहगुरु का, जिस दी सुरत शब्द नाल जुड़ी, शब्द ने उन्हों प्रगट कर देना, जरूर करना है, उन्हें उदे तो कम लेना है, उदे तो कार्ज करवाना जिहड़ा संसार दे विच, इस करके वह प्रगट हो जाता है। हजूर कहिंदे मन्नै पत स्यों, पत दे इत्थे अर्थ ने इज्जत, उहदा सत्कार कुदरती तौर ते वधेगा, प्रगट जाए प्रगट हो जाएगा। अगली जिहड़ी पंक्ति है बहुत कीमती है और समझण वाली है, साहब ने बचन कीते मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। इहनू थोड़े जे मिंट आपां समझांगे, क्योंकि इहदे विच साढ़े कुछ जिहड़े बनाए हुए हंकार ने उन्हां नू गुरु साहब ने इहदे विच चोट मारी है। गुरु साहब ने बचन किया कि मन्नै मग ना चलै, मग दे अर्थ ने मार्ग रस्ता, पंथ दे अर्थ भी रस्ता है। जिहड़ा मनुख मन्नदा है वह पंथ विच नहीं चलता, इहदे अर्थ ये ने। अखरी करिए हुण वेखो, पंथ दे विच ते आपां तुरे हाँ, पंथ दे अर्थ ने रस्ता, मजहब, जिवें एक सिख मजहब है यह सिख पंथ कह लईए, एक हिंदू मजहब है, एक मुसलमान मजहब है वह हिंदू पंथ है, मुसलमान पंथ है, सारे मजहबां नूं पंथ कहिंदे ने, मग कहिंदे ने। गुरु साहब कहिंदे जिहड़ा मनुख नाम नूं मन लैंदा है वह पंथ ते नहीं चलदा है। बड़ा औखा इहनूं समझना, जे आप जी पूरा ध्यान लाओगे तो समझ आ जाएगी। इहदे अर्थ यह नहीं हो सकते कि जिहड़ा मनुख नाम नूं मन्नदा है वह अपने मजहब तो बाहर हो जाता है, फिर तो गल सारी गलत हो जाएगी। मजहब तो बाहर नहीं जाता, मर्यादा तो बाहर नहीं जाता। इहदे अर्थ करांगे कि जिहड़ा मनुख नाम नूं मन लैंदा है वो अपने पंथ दे विच वार वार भटकदा नहीं, पंथ नूं वरत के उहदे उत्ते तुर के ते पार लंघ जांदा है ते अगे धर्म तक चला जांदा है। मन्नै धर्म सेती संबंध, संबंध दा अर्थ जोड़ पै जाणा। हो सकदा है असीं राह विच ही कई चक्कर कट दे रहीए, आदत बन जांदी आदमी दी राह विच रहना, रस्ते विच भटकना, तोड़ नहीं जाणा। आ सारियां राह दीआं ते गल्लां ने, तुसी वेख लो भी साड़ी जिन्नी दुनिया है, साड़ा जिन्ना सिस्टम चल रहा धर्म के नाँ ते, उहदे विच धर्म की गल घट है तो मजहब की गल ज़्यादा चल रही है। जिथे वड्डा इकट्ठ आएगा मजहब की गल करो, जकारे छुट जाणगे, लोग नोटां की वरखा कर देणगे, उत्थे वाह 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 हो जाएगी, उत्थे की होवेगा, मजहब की गल की जाएगी, कट्टड़ता की गल की जाएगी। है तो ठीक सी, उहदी लोड़ सी, पर असी तो सारा कुछ झोक ही रस्ते विच दिता, मजहब नाल ही जोड़ दिता। जे किते धर्म की गल होवेगी भी जदों कोई मजहब दे विच ठीक तरह चलता है, गुरु की मत नूं कमाउंदा है, तो उहदा धर्म नाल संबंध हो जाता है, तो धर्म के लक्षण ये ने। मनुख की बहुती गिनती उहनूं परवाह नहीं करेगी, इसलिए बंदे नूं धर्म नहीं चाहिदा, बंदे नूं मजहब चाहिए ने। मजहब दा अर्थ रौला गौला, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मौलाने, ये बिरतियां ने। हर एक थां ते कलह कलेश, हर एक थां ते एक दूजे नाल वैर विरोध, एक आदि निशानी मजहबां विच आदमी फसिया होया। रावां विच भीड़ है, घर तक कोई नहीं जा रहा, घर है शब्द, पहुंचना है नाम तक, शब्द तक। ता बचन क्या, निज घर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होएगो फेरा। इस करके गुरु साहब ने बचन किते, वह कहिंदे ने कि जेड़ा मनुख नाम नाल जुड़ जाए थोड़ा थोड़ा मजहबां तो पार जान लग पैंदा है, मजहबां तो उच्चा उठ जाता है। इहदा मतलब यह कोई नहीं मजहब नूं छड्ड दिंदा है, नहीं, रहिंदा मजहब दे विच है, मर्यादा दे विच रहिंदा है, पर जिहदे वास्ते वह मजहब धारण किया सी उहनूं प्राप्त कर लैंदा है। जिवें असी साडे कोल हत्थां विच भांडे ने, भांडियां दा प्रयोजन सी, बर्तनां दा प्रयोजन सी, इहदे राहीं भोजन छक लैणा,
पर सारी उम्र भांडे खड़काउंदे रहे, सारी उम्र बर्तना नूं चटदे रहे, भोजन तो उहदे विच है ही कोई नहीं सी। इस करके मजहब चंगा है, हर एक मजहब ठीक है जे उहनूं वरत्या जावे धर्म तक जाण वास्ते। धर्म दे अर्थ ने नाम, परमात्मा दा प्रेम, वह जोड़ जिहड़ा बंदे नूं दुखां तों दूर कर देंदा है, मुक्त कर देंदा है। तां जिस ने मन्निया उहदे मार्ग दे सारे जिहड़े रुकावटां सन खत्म हो गईआं, वह मजहबां दी पकड़ तों वी उच्चा उठ गया। थोड़ी थोड़ी उहदे विच विशालता आउणी शुरू हो गई, बंधन टुट गए उसदे, इन्नी उचाई मिल गई। मन्नै धर्म सेती संबंध, संबंध दा अर्थ है जोड़ पै जाना। जिन्ना चिर बंदा जुड़दा नहीं, वह जपी जाए, सोची जाए, बोली जाए, गाई जाए जां लिखी जाए, उतना चिर शब्द असर नहीं करता। गुरु की मत जिहड़ी है ना, नाम है जो गुरबाणी है, जिन्ना चिर इहदे नाल जोड़ नहीं बनता। संबंध शब्द बड़ा प्यारा है, संबंध करना, जोड़ पा लेना, रिश्ता कायम कर लेना। रिश्ते का मतलब हुंदा है संबंधित हो जाना, जुड़ जाना। हुण जिन्ना चिर रिश्ता नहीं, गल्लां बातां की करनगियां, संबंध तां है नहीं, नज़दीक तां नहीं है, नेड़े नहीं आया, गलबात भी करदा है, होर सब कुछ है, पर गुरु दे नेड़े नहीं आया, नज़दीक तां नहीं है। असी होर सब कुछ कर लैने पर गुरु दे नाल संबंध नहीं जोड़ते, बाकी सब कुछ है। इसलिए ये दो अर्थ किए जा सकते ने। गुरु नाल संबंध जोड़न का मतलब है धर्म तक चले जाना, ते गुरु नाल संबंध ना जोड़ना ते होर सब कुछ करी जाना, इहदा मतलब है मजहब विच फिरी जाना, मजहब विच चक्कर कटी जाना, चौवां पासे सब कुछ करी जाना, सेवा भी करनी, पाठ भी करना, यात्रावां भी करनियां, बहुत कुछ करना है तो चंगा सी, पर वो सारियां चीज़ां सन संबंध बनाउण वास्ते। ते जदों संबंध दी वारी आई, वे गुरु नाल संबंधित होना है, गुरु दे नाल जुड़ना है, उत्थे जाके फिर थोड़ा जिहा फर्क रखी रखना, दूर रहना है बड़ा औखा, नेड़े आउणा तां ही ते बंदा थोड़ी जी दूरी रखदा है। उन्हूं पता है जिदन गुरु दे नेड़े आ गए, अपनी मर्जी नहीं चलनी, मत अपनी खत्म हो जाएगी। अपना जो कुछ बनाया होया झूठा ज्ञान विज्ञान है, अपनी धारी जिहड़ी दुरमत है, उहदा नाश हो जाएगा। इस करके बंदा गुरु तो थोड़ी जी दूरी रहिंदा है, दूरी ते अपना जीवन बनाई रखदा है, भी जे नेड़े गए तां इह अपना महल बनाया होया झूठा प्रापूगंडा सारा टुट जाएगा, जीवन तब्दील हो जाएगा, नवा जन्म हो जाएगा, मेरे मन की मौत हो जाएगी। तो इस तरह सतगुरु ने बचन किए, जेड़ा मनन की अवस्था नू प्राप्त कर लेंदा है, नाम नू मन लेंदा है, उहदे जीवन दे सारे जेड़े दुख ने उन्हां दा नाश हो जाता है। अगे बचन किए, ऐसा नाम निरंजन होए। नाम किवें दा है? गुरु साहब ने कहा निरंजन है। एक ता नाम ये है ना जिहड़ा असी कीर्तम नाम है, हर एक धर्म दे लोग अपना अपना नाम जपदे ने, इत्थे उस नाम दा सिर्फ उहनूं नाम कह उहदा नाम नहीं लिया गया भी उह की है। बहुते थाई गुरु ग्रंथ साहब विच इस तरह है, इत्थे ना कहा गया भी राम, अल्लाह, वाहिगुरु जां होर कोई शब्द कोई वरते नहीं विच, इत्थों तक के कल्ला नाम लफज वरत्या है, कोई शब्द नहीं वरत्या नाल। यह नाम केड़ा है? यह है ही सिर्फ नाम, जिवें एक चीज़ के दो नाम हुंदे, आपां कहने आ ये रुख है, रुख उहदा निजी नाम है, फिर एक होर शब्द वरत्या जांदा ये अंब का रुख है, उहनूं नाल अंब कहना पैंदा, उह उहदा दूसरा नाम है उपनाम, यानी कि कीर्तम नाम। जिहड़े नाम असी जपने आ ना, कोई मजहब वाला अपने अपने धर्म का जपदा है, सानू भी कहा जाता नाम जपो। ये जिहड़े नाम ने सारे परमात्मा के नाम, जिवें असी अंब कहा है ये उस तरह है। तो जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये शब्द आएगा ऐसा नाम
जिहदे नाल कोई लफ्ज़ नहीं होवेगा, कल्ला नाम लिखिया होवेगा, उहदे अर्थ होणगे उहदा निजी नाम। जिवें अंब दा निजी नाम रुख है, उहनूं दरख्त कहिंदे ने। जिवें एक नाम सानू माता पिता ने दिता वी फलाणा सिंह है, ये नाम बारला है। एक नाम साडा मनुख है, वह व्यापक नाम है, वह बने ही होया, उन्हूं धरना नहीं पिया। तां जिथे गुरु साहब ने बचन किया ऐसा नाम इशारा किया भी उस नाम नूं लभ इस नाम द्वारा, जिहड़ा उहदा निजी नाम है, जिन्हों गुरु साहब ने कहा है किरतम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पुरबला, उहनूं कहिंदे ने नाम। तां उस नाम नूं गुरु साहब ने कहा ऐसा नाम निरंजन होए। निरंजन का मतलब अंजन तो रहत, अंजन कहिंदे ने सुरमे नूं, कालक नूं। उह जिहड़ा उहदा नाम है वह कालक तो रहत है, माया दे प्रभाव तो मुक्त है। जिहड़ा उहदे नाल जुड़ गया वह भी इस माया दे प्रभाव तो बच गया। पर बचन किया कहन लगे पाएगा वह जे को मन जाणै। हुण इत्थे लफ्ज़ जाणै आया, फिर जाणै दा संबंध जानन नाल ज्ञान नाल है। भावें असी कहने आ कि गुरु साहब कहिंदे सब कुछ कृपा नाल होणा, पर विच विच जानन दी गल कीती गई। जानन दा मतलब समझना है, महसूस करना है। जिन्ना चिर असी सुरत नूं जिहड़ियां गल्लां पिछे कहियां गईयां ना, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, जां गुरु साहब ने कहा विवेक बुद्धि, जां बचन किते तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। इहदे अर्थ ने कि रब दे घर वल तुरन वाले मनुख नूं इशारा किया गया, जे संसार की कमाई करन लग्या बुद्धि की वरतों करना है, इत्थे भी थोड़ी जी बुद्धि ला, उत्थे जे सारा जोर लाना है ध्यान दा ते इत्थे भी थोड़ा जा ला, यतन कर उस नूं पाउण दा। तां सतगुरु ने बचन किते ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाणै। जे कोई अपने मन नूं जगा लवे ते इस नाम नूं जानण दा यतन करे, जे को मन जाणै मन कोए, तां उस नूं इस नाम द्वारा ये उपर वालियां सारियां अवस्थावां प्राप्त हो जांदियां ने। रस्ते विच रुकावट दा ना आउणा, जिंदगी दे सारे दुख खत्म हो जाने और प्रगट हो जाना, इज्जत मिल जानी, किन्नियां दातां ने इहदे विच। मजहब नूं छड के धर्म नाल संबंध कायम कर लेना, शब्द नाल जुड़ जाना, ये सारियां दातां नाम नूं मनन नाल प्राप्त हुंदियां ने। एक पौड़ी मनन दी होर बची है, मनन दे नाल मोख द्वार मिलदा है। अगली पौड़ी है मन्ने पावे मोख द्वार, फिर उहदे विच इन्नी समर्था आ जाती कि वह आप भी तरदा है होरां नूं भी तार सकदा है। ऐसी मनन की कि अवस्था है, ये 15 नंबर पौड़ी आप कल विचार करांगे। आओ हुण कुछ समा गुरु शब्द नाल जुड़न का यतन करिए। सारिया ने एकाग्रचित हो के बोलन का यतन करना। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु